हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोड। और आज जो है मैं गोवा में हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ उस होटल का मैं आपको एक टूर दे देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो होटल कैसा है। तो ये होटल जो है वो है कालंगुट बीच पे और इसका नाम है की सेलेक्ट रोनिल रिसोर्ट। तो एक बार दिखाता हूँ आपको ये होटल कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है। आप ये देखिए कितना खूबसूरत है ये रिसोर्ट है, बहुत खूबसूरत, एकदम नेचुरल अंदर से एकदम, और हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ इस रिसोर्ट में वो है ये रूम। ये जो बालकनी है ये मेरे रूम की है और यहाँ से आपको मिलता है ये स्विमिंग पूल व्यू। यहाँ पर जो चेयर्स पड़ी हुई हैं आप चाहे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं और पूल साइड में। इसके अलावा जब भी आप चाहे तो पूल में जाके नहा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। फ़िलहाल पूल भी क्लोज्ड है, शायद यह कोविड के वजह से अभी बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे रूम्स बने हुए हैं। इसके अलावा एक दूसरा पूल जो यहाँ पर बना हुआ है वो है इधर। ये पूल भी फिलहाल क्लोज्ड है जी। तो गाइज़, अगर आप लोग गोवा आना चाहते हैं और यहाँ रुकना चाहते हैं तो इस होटल का नाम है होटल की सेलेक्ट रोनिल रिसोर्ट। और इसे आप जो है ऑनलाइन MMT के थ्रू या आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाकर के गूगल पे सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप इसे बुक कर सकते हैं। इसका जो रूम टैरिफ है वो करीब 3,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये के आसपास है, जो टाइमली वेरी किया करता है, तो आप उसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मेरे पीछे जो बना हुआ है वो है यहाँ का गेमिंग जोन और यहाँ पर आप कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो आप खेल सकते हैं, जैसे कि अगर जो आप टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी इंडोर गेम्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा जो ऊपर से नीचे तक ही बना हुआ है, यहाँ पूरा स्पोर्ट्स और गेमिंग जोन बना हुआ है।
तो इसका लुत्फ भी आप इस होटल में ले सकते हैं। तो ये रिसॉर्ट जो है गोवा की जिस प्राइम लोकेशन पर है, यहाँ से बागा बीच और कैलंगूट बीच दोनों बहुत पास पास में है। इसके अलावा अगर जो आपको क्लब जाने का शौक़ है तो यहाँ से जो टीटोज लेन है, जहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं गोवा के, वो भी बहुत ही पास में है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें इस होटल की, तो वो भी बहुत अच्छी है, ऐसी जगह पर है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा प्राइस जो है इसका 3,500-4,000 रुपये, वो भी ये जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है यहाँ। तो आप यहाँ पर आके आराम से रुक सकते हैं और आराम से अपनी छुट्टियों के मज़े, अपने हॉलीडेज़ के मज़े ले सकते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए और देखते हैं यहाँ ब्रेकफास्ट में क्या कुछ मिलता है। अगर जो एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा तो फिर पूरे दिन के एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। तो आई होप बढ़िया सा ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो हम चल रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या कुछ मिलता है खाने को। तो गाइस ये था मेरा रिसॉर्ट कैलंगूट बीच पे, गोवा पे जो है ये मेरा रिसॉर्ट है और जिसको मैंने आपको अंदर से दिखा दिया है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। और ब्रेकफास्ट का जो फैसिलिटी है यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी है। तो 7:30 बजे मॉर्निंग से 10:30 बजे तक की आप यहाँ पर अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है आपको और आप कितना भी खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि आप अच्छे से अगर जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो फिर पूरा दिन आपको ना कहीं पर और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से गोवा को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अभी हम गोवा को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत सारी नई नई वीडियोज़ आने वाली हैं, नई नई जगहों की आने वाली है। तो अगर जो आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर जो आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और साथ ही साथ अगर जो गोवा के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।